मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर गुरुवार को सामने आई प्रतिक्रिया की गर्माहट दूसरे दिन भी जारी है। मुख्यमंत्री के आरोपों को जहां सचिन पायलट ने भले ही शांतिपूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है, तो वहीं पायलट समर्थक विधायक उनके पक्ष में और मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में उतर आए हैं। गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुढ़ा ने सीएम गहलोत के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट के पास 10 विधायक दल तक नहीं होने का दावा किया था। गुढ़ा ने मुख्यमंत्री के दावे पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि कुल विधायकों 80% विधायक सचिन पायलट के पक्ष में है, चाहे तो मुख्यमंत्री आज के दिन कोई मीटिंग बुलाकर वोटिंग करवा ले, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का दावा हम छोड़ देंगे। क्यों बैठे हो? कराना चाहिए। उनमें से आपने 5 लोगों को मंत्री क्यों बनाया जो 10-10 करोड़ रुपए अमित शाह से लेके आए? उनमें से 5 लोगों को तो आपने मंत्री बना दिया, और ये स्टेट तो उस टाइम में लेते तो ज्यादा बढ़िया था ना। अब ये नए नियम अब क्यों लग रहे हैं? हमारे साथियों को जब हमारे साथी मंत्री बन रहे थे तब तो नियम नहीं थे। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 80% विधायक यदि सचिन पायलट जी के साथ नहीं होंगे तो हम सचिन जी पायलट अपना दावा छोड़ देंगे मुख्यमंत्री के लिए। वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूं हम हमारा दावा छोड़ देंगे। तो ये फिर आप 1-to-1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1-to-1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, मैं तो इसके लिए यही जानकारी चाहता हूं कि ये जो आलकमान ने नोटिस दिए थे न तो नोटिस पर कार्रवाई हुई, उनमें से आपने 5 लोगों को मंत्री तो आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ एक बार फिर से सचिन पायलट के समर्थक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर जो बयान जारी हुआ है, जो प्रतिक्रिया आई है उसको लेकर अब सचिन पायलट के ने भले ही शांतिपूर्ण तरीके से इसको खारिज कर दिया हो, लेकिन पायलट समर्थक विधायक उनके पक्ष में और मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में उतर आए हैं। गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट के पास 10 विधायक तक नहीं होने का दावा किया था। गुढ़ा ने मुख्यमंत्री के दावे पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि विधायकों की 80% विधायक सचिन पायलट के पक्ष में हैं, चाहे तो मुख्यमंत्री आज के दिन कोई मीटिंग बुलाकर वोटिंग करवा ले, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का दावा हम छोड़ देंगे। तो आपको बता दें एक बार फिर से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री और सचिन पायलट एक बार फिर आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की सियासत में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सचिन पायलट के गुट के मंत्री गुढ़ा ने सीएम गहलोत के इस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 विधायक तक नहीं है सचिन पायलट के पास में, लेकिन गुढ़ा ने मुख्यमंत्री के दावे पर पलटवार करते हुए दावे को खारिज कर दिया और कहा कि अभी वोटिंग करके देख लें, कुल विधायकों का 80% सचिन पायलट के समर्थन में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है जहां सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट पर वार पलटवार का दौर जारी है, वहीं सचिन पायलट के जो समर्थक है वो साइड लेते हुए नजर आए सचिन पायलट की। देखिए, राजेंद्र गुढ़ा ने कल ये बयान दिया है कि अगर गद्दार होते, अगर सचिन पायलट जो को मंत्री बनाया,
कि अगर अच्छी किस्म के विधायक सिर्फ पायलट के साथ नहीं है तो वो मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ दे। कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ से आने वाले दिनों में वार्ता रचवा की उम्मीद है, और जिस तरह से हुड्डा ने बयान दिया उससे ये साफ हो गया है कि भले सचिन पायलट पूरे मुद्दे पर चुप रहे लेकिन उसके समर्थक विधायक अब मुखर होकर अपनी बात को रखेंगे। और जिस तरह से कल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई उसमें भी ये मुद्दा छाया रहा, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ आने वाली है, उसकी ठीक पहले ही अशोक गहलोत का इलाज कहीं ना कहीं बड़े मायने रखता है कि आखिर ये बयान देने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार ये अपराध कर रही है कि ये अशोक गहलोत किसी न किसी बात का निशा था, इस वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जी उमेश, जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है तो क्या माना जा सकता है कि राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा सकती है? देखिए बिल्कुल राजस्थान की सियासत अभी तक भी गर्माई हुई थी क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने जिस तरह का संदेश दिया था कि जल्द ही मुख्यमंत्री को लेकर फैसला किया जाएगा, वो फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, तो उससे लेकर भी नाराजगी कहीं ना कहीं दोनों तरफ नजर आ रही थी। दूसरी बात क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान आने वाली है, समाज ने पहले विरोध की चेतावनी दी, ऐसे में अशोक गहलोत के बयान के बाद अब सियासत में कई बदलाव आएंगे, लेकिन ये देखने वाला की बात होगी कि केंद्रीय आला कमान इस पर अब क्या निर्णय करता है, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल से जो एक संदेश आया है केंद्रीय आला कमान से कि दोनों के बीच जो भी मनमुटाव है उसे जल्द दूर किया जाएगा, यही मनमुटाव कब दूर होगा क्योंकि अगले महीने राहुल गांधी राजस्थान में होंगे और यहाँ पर 500 किलोमीटर से ज्यादा उनकी लंबी यात्रा है, तो ये देखने लायक होगा कि इस यात्रा से पहले क्या इस सियासी संकट को पार्टी दूर कर पाती है। उमेश, 2023 में चुनाव होने हैं लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तस्वीर सामने आ रही है, खुद की पार्टी के जो लोग हैं वो दो गुटों में ही बटे हुए हैं, तो कितना नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है? देखिए ये अभी क्योंकि चुनाव अभी एक साल है और एक साल पहले किसी भी चुनाव को लेकर बयानबाजी या किसी तरह का आकलन की गलत बात नहीं है, क्योंकि चुनाव के समीकरण है वो चुनाव के महीने दो महीने पहले तक भी पलटते रहते हैं। जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में उसी तरह की स्थिति बीजेपी में, बीजेपी में कई गुट गुटे हुए हैं, वसुंधरा राजे गुट हो, पूनिया गुट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत गुट हो, तो गुटबाजी दोनों तरफ समान है। ये देखने लायक होगा कि चुनाव से पहले कौन सी पार्टी इन पर पार पा पाती है, वही चुनाव में सक्सेस रहेगी, यही एक सबसे बड़ी बात है। फिलहाल अभी कोई चुनाव को लेकर जो क्योंकि एक साल है चुनाव में, एक साल के बाद चुनाव होने हैं, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी बहुत जल्दबाजी। तो आपको बता दें कि सियासी वार पलटवार जारी है, सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर सचिन पायलट पर वार करते हुए नजर आए।